आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड का एक टॉपिक जो कि है एरोमेटिक अमीन्स आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि एरोमेटिक अमीन्स क्या होते हैं इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब किस तरीके से हम एरोमेटिक अमीन्स को प्रिपेयर करते हैं देन केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होती हैं एरोमेटिक अमीन्स की ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं सो so, सबसे पहले हम देखते हैं कि एरोमेटिक अमीन्स जो हैं वो होते क्या हैं सो एरोमेटिक अमीन जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर एरोमेटिक रिंग होती है एंड वो जो है वो अमीन से अटैच होती है सो so, ये होते हैं एरोमेटिक अमीन सो ये डेफिनेशन हो गई एरोमेटिक अमीन की तो हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं एरोमेटिक अमीनस के सो so, सबसे मेन और बेसिक कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है एनिलिन मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर एन एच टू अटैच है एनिलिन सो so, ये सबसे कॉमन एग्ज़ाम्पल है नेक्स्ट एग्जाम्पल है एनीलिन पे पैरा पोजिशन पर जो है एन टू अटैच है तो दिस इज़ पैरा नाइट्रो एनिलिन नेक्स्ट एनीलिन पे ऑर्थो तो पोजिशन पे सी एच थ्री प्रेजेंट है तो यह मिथाइल एनेलिन नेक्स्ट है बेंजीन से एन एच एंड एन से सी एच थ्री अटैच है तो यह एन मिथाइल एनेलिन नेक्स्ट है Uh, दो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है उनके बीच में एक एन एच है सो दिस इज डाई फिनाइल अमीन देन नेक्स्ट है बेंजीन रिंग उससे एन अटैच है एंड एन से सी एच थ्री अटैच है सी सी एच एच थ्री अटैच है सो दिस इज एन इथाइल एन मिथाइल एनेलिन नेक्स्ट है बेंजीन रिंग है उससे एन अटैच एंड एन से सी एच टू सी एच थ्री एंड सी एच टू सी एच थ्री अटैच है सो so, इसका नाम हो जाएगा एन एन डाई इथाइल एनिलिन एंड लास्ट जो एग्जांपल है वो है बेंजीन से अटैच है सी एच टू एंड एनएस फिनाइल मिथाइल अमीन सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एरोमेटिक अमीन्स के जो कि हम लिख सकते हैं इसके अंदर सो so, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन एरोमेटिक अमीन्स की कि हम किस किस तरीके से एरोमेटिक अमीन को जो है प्रिपेयर कर सकते हैं सो so, इसके अंदर फर्स्ट मेथड आता है अमोनोलाइसिस ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स. सो हेलोजन कंपाउंड्स जो है उनका अमोनोलाइसिस करके जो है हम एरोमेटिक अमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं सो so, क्या होता है कि जो न्यूक्लियर हेलोजन है वो ईजिली रिप्लेस नहीं हो पाती है अमोनिया से तो इस वजह से रिएक्शन जो है उसे हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस में किया जाता है जिसके अंदर अमोनिया जो है वो रिएक्ट करती है इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड कैटलिस्ट सो इसकी जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगी कि क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं अमोनिया के साथ में एंड कॉपर ऑक्साइड के साथ में एंड इसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दैट इज़ टू फिफ्टी डिग्री सेल्सियस एंड हाई प्रेशर है सो तो इससे दो मॉलिक्यूल्स एनिलिन के बनते हैं प्लस दो कॉपर क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं प्लस एच सो तो इस तरीके से जो है हम एरोमेटिक अमीन को प्रिपेयर कर सकते हैं सेकेंड जो मेथड है वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स नाइट्रो कंपाउंड्स जो होते हैं उन्हें अगर हम रिड्यूस करते हैं रिड्यूस करने का मतलब हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट तो उससे जो है एरोमेटिक अमीन का फॉर्मेशन हो जाता है सो so, इस रिएक्शन को हम देखते हैं नाइट्रोवेजीन जो है ये एक नाइट्रो कंपाउंड है ये हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ कैटेस्ट टेन और एच सी एल सो इससे एनिलीन प्लस टू एच टू का जो फॉर्मेशन है वो हो जाता है नेक्स्ट मेथड है अमोनोलाइसिस ऑफ फिनोल्स फिनोल का अमोनोलाइसिस करने से जो है इससे भी एरोमेटिक अमीन का फॉर्मेशन होता है सो so, इसके अंदर क्या है कि फिनोल है उसके अंदर उसके साथ में अमोनिया को रिएक्ट कराए इन प्रेजेंस ऑफ जेडेंसील टू एंड थ्री हंड्रेड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो इससे एनिलिन का फॉर्मेशन हुआ प्लस एच टू वाटर का फॉर्मेशन हुआ तो so, इस तरीके से एरोमेटिक अमीन को प्रिपेयर किया जा सकता है नेक्स्ट आता है हॉफमेंस मैथड सो हॉफमेंस मेथड जो है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम वगैरह के अंदर आ सकता है तो इसे इस बहुत ही ध्यान से पढ़ना है सो हॉफमेंस मेथड क्या होता है इस रिएक्शन में एरोमेटिक एसिड्स के जो अमाइड्स होते हैं उन्हें ट्रीट करा जाता है ब्रोमीन एंड एल्केली के साथ में जिससे कि अमीन बनता है जिसके अंदर एक कार्बन कम प्रेजेंट होता है अमाइड से सो so, नाउ हम देखते हैं इसके रिएक्शन क्या हो सो so, सबसे पहले एरोमेटिक एसिड का एक अमाइड है जिसका बेंजीन के ऊपर सी ओ एन एच टू प्रजेंट है ये रिएक्ट करेगा फोर के ओ एच एंड बी आर टू के साथ में तो इससे एरोमेटिक अमीन का एनिलिन का प्लस टू के बी आर का प्लस के टू सी ओ थ्री प्लस टू एच टू का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इस तरीके से एरोमेटिक अमीन बना सकते हैं नेक्स्ट आता है स्किम्ड रिएक्शन तो इसके अंदर क्या होता है कि एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड सल्यूशन जो है कंसनट्रेटेड फोर के अंदर उसे शेक किया जाता है क्लोरोफॉर्म सल्यूशन के साथ में हाइड्रोजोइक एसिड के जिससे कि फाइनली जो है अम, अमीन का फॉर्मेशन हो जाता है सो so, इसका भी क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट इस नाम से पूछा जा सकता है सो so, इसकी जो रिएक्शन है वो है बेंजोइक एसिड जो है वो हाइड्रोजोइक एसिड एन थ्री एच के साथ में रिएक्ट कर रहा है एंड इससे एनिलीन प्लस एन टू प्लस सी ओ टू का फॉर्मेशन हो रहा है सो so, इस तरीके से जो है हम एरोमेटिक अमीन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं पांच मेथड्स हैं और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं बट हम यहाँ पर पांच मेथड्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं और नेक्स्ट आते हैं केमिकल रिएक्शन क्या क्या होती हैं एरोमेटिक अमीन्स की सो so, सबसे पहली रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे एसाइलेशन एसाइलेशन के अंदर क्या होता है कि एरोमेटिक अमीन जो है वो एक एल् एसिटाइल हेलाइड के साथ में रिएक्ट करती है इन प्रेजेंस ऑफ पायरेडीन एंड इससे जो है एसिड uh, एनिलिड का फॉर्मेशन हो जाता है सो so, इसकी जो रिएक्शन है वो एनिलिन है वो रिएक्ट कर रहा है एसिटाइल क्लोराइड के साथ में दैट इज सी एच थ्री सी ओ सी एल इन प्रेजेंस ऑफ पायरेडीन एंड इससे फॉर्मेशन हो रहा है एसिड एनिलिड प्लस एच सी एल का सो so, ये हो गई फर्स्ट केमिकल रिएक्शन नेक्स्ट आती है सल्फोनेशन सो सल्फोनेशन में क्या होता है इसमें एक जो एरोमेटिक अमीन है उसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराया जाता है देन कुछ स्टेप्स होती हैं एंड फाइनली जो है वो सल्फेनिक एसिड जो है वो फॉर्म हो जाता है सो so इसकी रिएक्शन अगर हम देखें तो so सबसे पहले एनिलिन एक एरोमेटिक अमीन है ये एच टू एस ओ फोर के साथ में रिएक्ट करके एनिलिन एसिड सल्फेट बनाता है देन इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है तो इससे फिनाइल सल्फेमिक एसिड बनता है देन सिक्सटी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड हीट इसे हम करते हैं तो उससे हमारे पास में ऑर्थेनिलिक एसिड जो है वो बनता है एंड देन 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड हीट के प्रेजेंस में फाइनली सल्फेनिलिक एसिड जो है इसका फॉर्मेशन हो जाता है सो so, ये है सेकेंड केमिकल रिएक्शन देन थर्ड केमिकल रिएक्शन जो है ये डाई एजोटाइजेशन है सो so, इस रिएक्शन के बारे में सीधे सीधे टू मार्क्स के अंदर भी पूछा जाता है जैसे वॉट इज़ डाएजोटाइजेशन रिएक्शन सो इसके अंदर क्या होता है कि प्राइमरी अमीन्स जो है वो नाइट्रिस एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड के प्रेजेंस में टेम्परेचर जो है वो जीरो डिग्री सेल्सियस होता है एंड फाइनली इससे डायजोनियम कम्पाउंड्स या फिर डायजोनियम सॉल्ट जो है उनका फॉर्मेशन हो जाता है हम इसकी कम्प्लीट रिएक्शन क्या होगी वो हम देखते हैं सो so, इसके अंदर एरोमेटिक अमीन एनिलिन जो है ये नाइट्रस एसिड एच एन ओ टू के साथ में रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एच सी एल एंड टेम्परेचर जो है वो जीरो डिग्री सेल्सियस होता है तो इससे फाइनली डाइजोनियम सॉल्ट जो है इसका फॉर्मेशन हो जाता है प्लस एच टू बनता है सो so, डाइजोनियम सॉल्ट जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट के अंदर सो so, हम इसके जो सिंथेटिक यूजेज है वो लास्ट में पढ़ेंगे इस यूनिट में सो नाउ नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद ग्रिगनाड रिएजेंट सो ग्रिगनाड रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करके एरोमेटिक अमीन जो है वो फाइनली हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन करती है सो प्राइमरी और सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन्स जो हैं वो ग्रिगनाड रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करती हैं हाइड्रोकार्बन्स बनाती हैं जो कि करस्पॉन्ड होते हैं एल्काइल रेडिकल ऑफ ग्रिगनाड रिएजन के सो इसकी जो रिएक्शन है वो एनिलिन रिएक्ट कर रहा है ग्रिगनाड रिएजेंट के साथ में तो इससे इथेन का फॉर्मेशन हो रहा है साथ ही साथ एलकाइल रेडिकल बन रहा है ग्रिगनाड रिएजेंट का नौ नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास में वो है कार्बिल अमीन रिएक्शन सो so, इसके अंदर क्या है कि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन जो है उन्हें क्लोरोफॉम एंड एल्कोहलिक कॉस्टिक पोटैश के साथ में रिएक्ट कराया जाता है एंड इससे जो है आइसोसाइनाइड बनता है जिसकी अनप्लीजेंड स्मेल होती है सो so, अब ये रिएक्शन को हम किस तरीके से रखेंगे कि एनिलिन है ये सी एच सी एल थ्री के साथ में रिएक्ट है प्लस थ्री के साथ में तो इससे पिनाइल आइसोसाइनाइड प्लस थ्री के सी एल प्लस थ्री एच टू जो है इसका फॉर्मेशन हो रहा है तो ये हो गई सारी केमिकल रिएक्शंस एरोमेटिक अमीन्स की तो आज के जो टॉपिक्स है वो हमारे यहाँ पर खत्म होते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने एरोमेटिक अमीन्स के बारे में उनके एग्जांपल्स के बारे में उनकी मेथड ऑफ़ प्रिपरेशन क्या होती है उसकी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं ये सब जो है ये आज हमने डिस्कस कर लिया अगर आपको इस वीडियो में जो समझाया गया वो अच्छे समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करना इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको नोट्स पी फॉर्म में चाहिए हो तो सो थैंक यू इस वीडियो को एंड तक